नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन, निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा बवासीर की बीमारी के बारे में। बवासीर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कि सबसे ज़्यादा आजकल के कंडीशंस में लोगों को परेशान करती है, किसी न किसी प्रकार से ये परेशान करती रहती है। कभी पेट में कब्ज़ हो जाती है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, कभी मसे बड़े बड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द करने लगते हैं। तो आज मैं आपसे बवासीर में उपयोग की जाने वाली होम्योपैथी की एक बहुत ख़ास दवा के बारे में बात करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर आपको बवासीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ कि बवासीर की जो बीमारी होती है, या फिर जिसे कि पाइल्स या हीमेरॉइड्स भी कहा जाता है, इस समस्या से सबसे ज़्यादा भारत देश में और विदेशों में सभी जगह लोग पीड़ित रहते हैं। और उसका सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों, वो है हमारा खान पान का तरीका और सही चीज़ें ना खाना। इसके साथ साथ में जो लोग पैदल नहीं चलते हैं, उन लोगों को भी बवासीर की समस्या हो जाती है। खास तौर से ये देखा जाता है कि जो लोग रात में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, शाम को 7 बजे के बाद खाना खाते हैं, पानी कम पीते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है, उन्हीं लोगों में सबसे ज़्यादा पाइल्स के या बवासीर के जो केसेस हैं वो देखे जाते हैं। अब जो बवासीर होता है, ये खास तौर से दो तरह का होता है। एक तो बादी बवासीर होता है जिसमें कि खून नहीं निकलता, और दूसरा खूनी बवासीर होता है जिसमें से शिराएं फट जाती हैं और उनके फटने के कारण वहाँ पे घाव बन जाता है और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये दो तरह के बवासीर सामान्यतः लोगों में पाए जाते हैं, और दोनों ही जो बीमारियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशंस वाली होती हैं, क्योंकि बवासीर के कारण पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब होम्योपैथी में तरह तरह की दवाएं हैं, बहुत सारी दवाएं हैं जो पेशेंट के सिम्टम्स के अनुसार बवासीर की बीमारी में दी जाती हैं। इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना के डाल चुका हूं, जिसमें मैंने बहुत सारी दवाओं के बारे में और उनके सिम्टम्स के बारे में बताया है। उन्हीं में से आज मैं एक दवा के बारे में आपसे बात करूंगा, और वो जो दवा है वो है एस्क्यूलस हिप्पोकैस्टेनम का मदर टिंचर। ये जो मेडिसिन होती है दोस्तों, ये बादी बवासीर के लिए लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन के रूप में काम करती है, और लगभग 90% केसेस जो बादी बवासीर के होते हैं वो अकेले इस एक मदर टिंचर के यूज से या फिर इसकी पोटेंसीज के यूज से वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। इसके साथ में उसके जितने भी सिम्टम्स हैं बादी बवासीर के कारण, जो भी सिम्टम्स हैं, कमर में दर्द हो रहा है, पेट में कोई तकलीफ हो रही है, और जितने भी सिम्टम्स हैं वो इस मेडिसिन के यूज़ करने से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो आज मैं इसी के सिम्टम्स के बारे में आपको बताऊंगा कि एस्क्यूलस का जो पेशेंट होता है वो किस तरह से होता है, और उसको किन किन सिम्टम्स के आधार पे हम एस्क्यूलस मेडिसिन के रूप में उसकी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि एस्क्यूलस का उपयोग जो है वो खास तौर से बादी बवासीर के लिए किया जाता है, यानी कि वो बवासीर जिसमें कि पेशेंट को ब्लड नहीं आता है, केवल मस्से हो जाते हैं, और वो जो मस्से होते हैं वो बड़े बड़े मस्से होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चुभन होती है, चुभन कांटा गड़ने जैसी चुभन होती है रेक्टम में, एनस के आसपास, यानी कि मलाशय में और मलद्वार के आसपास कांटा गड़ने जैसी, सुई चुभने जैसा जो है वो दर्द होता है, चुभन होती है। अब ये वाली जो चुभन है वो नाइट्रिक एसिड के पेशेंट में भी देखी जाती है। तो नाइट्रिक एसिड हमें किन कंडीशंस में यूज़ करना है, तब जबकि पेशेंट को फ्रेश होने की शुरुआती अवस्था में, यानी कि जैसे ही वो मल त्याग करना शुरू करता है तुरंत ही उसे चुभन जैसा दर्द होने लगता है, उस कंडीशन में हम नाइट्रिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। और जब किसी पेशेंट को मल त्याग करने के कुछ घंटों बाद रेक्टम में या एनस में, यानी कि मलाशय में या फिर गुदा द्वार के आसपास चुभन महसूस होती है कुछ घंटों बाद, तब उस कंडीशन में एस्क्यूलस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे एक बहुत खास सिम्टम एस्क्यूलस का देखा जाता है कि जिन लोगों को बवासीर की प्रॉब्लम होती है उनको कमर दर्द बहुत ज़्यादा होता है एस्क्यूलस के पेशेंट्स में, यानी कि जिन लोगों को कमर दर्द के साथ बवासीर की शिकायत हो रही है उन लोगों को एस्क्यूलस का मदर टिंचर यूज़ करना चाहिए। और ख़ास तौर से कमर भी दर्द जो होता है वो किस हिस्से में, सैक्रम के हिस्से में, यानी कि हमारी जो टेल बोन है,
टेल बोन के ऊपर का जो हिस्सा है वहां से पेशेंट को दर्द होता है, और ये जो दर्द है ये रेफरिंग पेन होता है, यानी कि कभी एक हिस्से में दर्द होने लगेगा, कभी दूसरे हिस्से में दर्द होने लगेगा, कभी दर्द ऊपर चला जाएगा, कभी दर्द जो है वो नीचे पैरों में आने लगेगा। इस तरह से ये जो दर्द होता है ये अपना स्थान परिवर्तन करता है, तब उस कंडीशन में हम एस्क्यूलस का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जिन जिन बीमारियों में ब्लड इकट्ठा हो जाता है, वीनस ब्लड यानी कि वो ब्लड जिसको कि वापस हार्ट में जाना चाहिए था, दिल में जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है और वहां जो वेन्स हैं उनमें इकट्ठा हो गया है, तब उस कंडीशन में यदि वहां पे ब्लड के इकट्ठा होने के कारण पेशेंट को हैवीनेस महसूस हो रही है, मान लीजिए कि रेक्टम का ही केस ले लें कि जिन लोगों को बादी बवासीर की शिकायत है और वहाँ पे वीनस ब्लड जो है यानी कि शिराओं में बहने वाला जो ब्लड है, जो रक्त है, वो इकट्ठा होने लगा है और उसके कारण उसको रेक्टम में यानी कि मलाशय में भारीपन का अनुभव होता है, जैसे कि वहाँ पे कुछ भरा हुआ हो, तब उस कंडीशन में यदि किसी और अंग में भी ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ पे नीले रंग का ब्लड इकट्ठा होने लगा है, नीला पड़ने लगा है वो हिस्सा, तब उस कंडीशन में भी हम एस्क्यूलस का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही दोस्तों इसका एक और बहुत खास सिम्टम होता है कि आर्सेनिक के जैसे ही यानी कि आर्स अल्ब जो होम्योपैथी मेडिसिन होती है उसके जैसा ही इसका सर्दी जुकाम भी होता है, यानी कि नाक से पानी बहता है, बहुत ज़्यादा एक्रिड जो है वो डिस्चार्ज होता है, सर्दी हो जाती है बहुत तेजी से, तब उस कंडीशन में भी एस्क्यूलस का उपयोग किया जाता है और वहाँ पे पेशेंट के सिम्टम्स के अनुसार डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि इसको आर्सेनिक देना है या फिर एस्क्यूलस देना है। इसके साथ साथ ही यदि हम इस पेशेंट के हेड के सिम्टम की बात करते हैं यानी कि सिर के सिम्टम्स की बात करते हैं, तो पेशेंट बहुत ही डलनेस फील करता है, यानी कि उसका किसी काम में मन नहीं लगता है। अब जिसको बवासीर की प्रॉब्लम होगी निश्चित रूप से उसका जो पूरा ध्यान है वो उसकी बीमारी की अवस्था पे ही रहेगा, उसकी बीमारी पर ही रहेगा, तो उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, सिर में बड़ा उसको भारीपन महसूस होता है क्योंकि बवासीर के साथ साथ कब्ज भी एसोसिएटेड होगी, तो उस कंडीशन में कब्ज के कारण उसका पूरा पेट भारी रहेगा और पेट जब भारी रहता है तो पेशेंट को सिर में अपने आप हैवीनेस आने लगती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, एकिंग पेन होने लगता है, फ्रंटल जो मतलब यानी कि जो फोरहेड जो होता है यहाँ पे बड़ा दर्द होता है, इस दर्द के साथ साथ आंखों में भी उसको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होने लगती है, दर्द होने लगता है, एकिंग पेन होता है, एकिंग मतलब जैसे कि कहीं कोई चोट लगी हो ऐसा कोई दर्द उसको महसूस होने लगता है पूरे सिर में, खासतौर से ऑक्सीपुट में भी बहुत सारे लोगों को यानी कि सिर का जो पिछला हिस्सा होता है उसमें भी बहुत सारे पेशेंट्स को दर्द होने की शिकायत होने लगती है। यदि हम इसके नाक के सिम्टम की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्स एल्बम के जैसे ही इसमें सर्दी जुकाम के सिम्टम्स होते हैं, नाक से पानी आता है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, ठंडी हवा लगने से उनमें एग्रवेशन होता है, लेकिन जब एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसको कि सर्दी नहीं है उस अवस्था में इसकी जो नाक है वो बड़ा उसको ठंडा ठंडा महसूस होता है, ड्राइनेस उसको महसूस होती है, यानी कि वहाँ पर उसको सूखापन लगता है, नाक सूखी हुई उसको महसूस होती है। यदि हम इसके गले के सिम्टम की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीनस स्टेसिस की प्रॉब्लम जहाँ पे होती है यानी कि खून इकट्ठा जो हो जाता है वेन्स में, उस कंडीशन में यदि ये सिम्टम गले में देखा जा रहा है, मान लीजिए किसी को फेरेंजाइटिस हो गया है या फिर किसी को टॉन्सिलाइटिस हो गया है और वहाँ पे जो वेन्स हैं उनमें ब्लड इकट्ठा होने लगा, एंगोर्जमेंट होने लगा है, गले में उसको चुभन जैसी महसूस हो रही है, जैसी कि रेक्टम में चुभन महसूस होती है वैसे ही यदि गले में वीनस स्टेसिस हो रही है तो गले में भी उसको चुभन महसूस होगी, ये मैं फेरेंजाइटिस की बात कर रहा हूँ, तब उस कंडीशन में हम एस्क्यूलस का उपयोग कर सकते हैं। यदि हम इसके मेल जेनिटल्स की बात करते हैं तो जिन लोगों को बवासीर के साथ साथ प्रोस्टेटिक फ्लूड के सीक्रीशन की शिकायत होती है, यानी कि जब वो लैटरिन करते हैं, स्टूल पास आउट करते हैं, तब उस कंडीशन में उनके पेनिस से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तब उस कंडीशन में भी एस्क्यूलस का उपयोग बड़ी ही सफलता के साथ किया जाता है और ख़ास तौर से तब जबकि वहाँ पे कमर दर्द भी पेशेंट को हो रहा हो। और इसके साथ साथ यदि हम फीमेल जेनिटल सिम्टम्स की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि जिन महिलाओं में श्वेत प्रदर की शिकायत होती है यानी कि ल्यूकोरिया की शिकायत होती है, सफ़ेद पानी आने की शिकायत होती है, उन महिलाओं में यदि वहाँ पे सफ़ेद पानी आने के कारण कमर दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कमर दर्द होती है और इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि यंग एज में भी उसका बुढ़ापा आ गया है और उससे बिल्कुल चलते फिरते नहीं बनता है, लेमनेस की कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो जाती है, कमर बिल्कुल हिलाते डुलाते ही नहीं बनता है, तब उस कंडीशन में हम ल्यूकोरिया यदि किसी को है यानी कि सफ़ेद पानी की शिकायत है और इतना ज़्यादा सफ़ेद पानी आने के कारण कमर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तब उस कंडीशन में हम एस्क्यूलस का उपयोग कर सकते हैं।
अब यदि हम इस मेडिसिन की डोज की बात करते हैं तो दोस्तों मैं इसका मदर टिंचर यूज करने की सलाह दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा है कि मदर टिंचर के यूज करने से रिजल्ट बहुत जल्दी मिलने लगते हैं। तो इस मेडिसिन का 10-10 बूंद दिन में 3 बार, मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिला के पीने से लगभग दूसरे दिन या तीसरे दिन से ही पेशेंट को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, बवासीर के केसेस में, फेरेंजाइटिस के केसेस में। मतलब कि जो सिम्टम मैंने आपको बताए हैं यदि वो मैच करते हैं तो दूसरे तीसरे दिन से ही रिजल्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट धीरे धीरे कंटिन्यू यूज करने से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे के वीडियोज में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।